हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की हम बात करेंगे बजाज ऑटो हिस्ट्री और उसकी जर्नी के बारे में। बजाज ऑटो एक बड़े भारतीय ऑटोमोबाइल्स कंपनी में से एक मोटरसाइकिल, स्कूटर और थ्री व्हीलर जैसे प्रकार के वाहन बनाती है। ये कंपनी भारत में प्रमुख और काफ़ी अच्छे वाहन जो होते हैं उनका निर्माण करने वाली कंपनियों में से एक है। मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ बजाज ऑटो के इतिहास और यात्रा के कुछ जो इंपॉर्टेंट कदम हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 1945 बजाज ऑटो की स्थापना जामनालाल है बजाज के द्वारका की गई थी। ये कंपनी इंटेल इम्पोर्ट और ख़रीदारी करके ऑटोमोबाइल्स और वाहनों का व्यापार करती थी। 1950 बजाज ऑटो ने अपनी पहली स्कूटर बजाज 150 को बाजार में उतारा, जो कि स्थिति और व्यावसायिक दृष्टि से सफलता प्राप्त करने वाला था। 1972 बजाज ऑटो ने बजाज चेतक स्कूटर को बाजार में उतारा, जो कि महिलाओं और परिवारों के बीच लोकप्रिय बहुत ज़्यादा हो गया। 1986 बजाज ऑटो ने अपनी पहले मोटरसाइकिल बजाज कावासाकी KB 100 को बाजार में उतारा। 2000 हम बोल सकते हैं, बजाज ऑटो ने बजाज पल्सर को बाजार में उतारा, जो कि स्पोर्ट्स बाइक के रूप में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। 2007 में दोस्तों बजाज ऑटो ने चेतक स्कूटर की जो उत्पादन थी उसको बंद कर दी थी। उससे आगे की सारी मैन्युफैक्चरिंग को मोटरसाइकिल और थ्री व्हीलर पर केंद्रित किया था। 2012 में बजाज ऑटो ने बजाज डिस्कवर और बजाज एवेंजर जैसे बाइक को बाजार में उतारा, जो कि बड़ी लोकप्रियता प्राप्ति इसने की थी। 2020 में बजाज ऑटो ने इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV की प्राप्ति, अपनी दृष्टियों सुधार और चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को पुनः बाजार में उतार दिया। आज बजाज ऑटो एक मुख्य वाहन निर्माण कंपनी है, जो कि भारत में और विदेश में बहुत ज़्यादा व्यापार अच्छे तरीके से करती है। इसको मूल्य दृष्टि से बजाज ऑटो ने समय के साथ साथ अपने व्यवसाय को व्यापारिक, तकनीकी और परिस्थितियों के अनुरूप बदलकर आगे बढ़ा दिया। बजाज ऑटो की ऐतिहासिक यात्रा में भारतीय ऑटोमोबाइल्स उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको वीडियो बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।